जिस जगह पे खड़ा हूँ वही है डाक बंगला चौराहा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्राउड जमा हो रही है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे इस तरीके की भीड़ आपको और किसी और दिन नहीं मिलेगी। और ये आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ अपने चारों तरफ का, आप देखते रहिए। ये जटायु का झांकी है, पटना में आए। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उसके बाद आज अष्टमी के दिन मैं आपको अपने कैमरा से अब आज का दुर्गा पूजा घुमाने ले चल रहा हूँ। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ हर जगह का रिकॉर्डिंग करके पंडाल और भव्य मूर्ति सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। अभी जो ये पंडाल आप देख रहे हैं, ये मूर्ति जो है ये चित्रगुप्त नगर का है, कंकड़बाग का है। उसके बाद अब हम लोग स्टेशन की तरफ आ चुके हैं। ये स्टेशन एरिया का, स्टेशन कॉर्नर का ये मूर्ति है। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। और अब ये, अब जो आप ये देख रहे हैं ये गांधीनगर का मूर्ति है, कांटी फैक्ट्री के पास आता है ये। बहुत सुंदर, बहुत सही तरीके से बनाया गया ये मूर्ति। यहाँ पर आज की सुबह यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी थी। अब यहाँ पहुँचने के बाद अब जो नज़ारा है मेरे सामने वो बहुत सही, लेकिन ये जो दानव है इसका एक आँख में बल्ब नहीं जल रहा है, ये बहुत हास्यास्पद है। बट चलिए, अब राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुँच चुके हैं के पास आ गए अगम कुआं से बढ़ते हुए, और यहाँ पर राजेंद्र नगर टर्मिनल की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है, और आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल गार्डन भी है राजेंद्र नगर टर्मिनल पर। एक बहुत बढ़िया स्टेप है सरकार की तरफ से ग्रीनरी को बढ़ाने को लेके। आप टर्मिनल का अभी व्यू लीजिए। फिर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, और ये हम लोग अब राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे उसी रोड पे जा रहे हैं जो कि एक स्टेट हाईवे है। और ये आप अभी जो देख रहे हैं ये भव्य देवी जी का जो मूर्ति है ये बहुत सुंदर लग रहा है, और भक्त यहाँ उमड़ते हैं। ये राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे बगल में जस्ट वहीं की एक मंदिर का है। और अब हम लोग यहाँ से चेयरटार पुल होते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। बहुत दिलचस्प आगे वीडियो मिलने वाला है आपको, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर। अब हम लोग, आप देख सकते हैं कि अब चिड़िया टरपुल के नीचे हम लोग जा रहे हैं और स्टेशन एरिया की तरफ। स्टेशन एरिया के कॉर्नर पे पहुंचने के बाद आपको ये इस पंडाल के देवी जी का भव्य दर्शन करवा रहे हैं। आप इसे देखिए, बहुत अद्भुत है। और यहाँ आप देख रहे होंगे देवी जी और बाकी सभी मूर्ति जितना भी है। स्टेशन ओवर ब्रिज पे जो कि महावीर मंदिर के सामने है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये महावीर मंदिर। मैं आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ महावीर मंदिर और स्टेशन का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महावीर मंदिर और स्टेशन का क्लियर व्यू। बहुत अच्छा से सजाया गया है, और ये बहुत रंगीन अभी नज़र आ रहा है, ये अद्भुत। पर अब मैं यहाँ से निकलूँगा, आपको पता होगा डाक बंगला चौराहा जो कि पटना का हर्ट है,
एक तरीके से, और वहाँ पे पटना का सबसे सबसे खूबसूरत पंडाल डाक बंगला चौराहा पे लगाया जाता है। तो मैं अब यहाँ से डाक बंगला चौराहा निकलूँगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से वहाँ पे सजावट है और झांकियाँ हैं और भव्य मूर्ति है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो महावीर मंदिर आप देख रहे हैं और सामने स्टेशन जो देख रहे हैं, ये अभी स्मार्ट सिटी जो बन रहा है उसके अंतर्गत ये डेवलप किया गया है, स्टेशन के और सजाया गया है। और ये स्मार्ट सिटी का प्रतिफल है कि हमें इतना सुंदर पटना जंक्शन मिला है। दोस्तों आप इस ब्रिज का मज़ा लें, और ब्रिज के नीचे जो आपको दिख रहा है ये एग्जीबिशन रोड है, सॉरी फ्रेजर रोड है। और फ्रेजर रोड पे आप जो चहलकर्मी हैं, जो भीड़ है, अभी रात के 2 बजे हैं और इस जगह पे आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। यहाँ पे लोग ओवरब्रिज के ऊपर रुक के सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। और ये जस्ट आपका बुद्धा स्मृति पार्क के अपोजिट और महावीर मंदिर के भी अपोजिट में आता है। आप इसका मज़ा लें, फिर हम लोग नीचे चलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अब मैं यहाँ से डाकबंगला की तरफ जाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गाड़ियों को जाना मना है, और जो भी एंट्री है वो गाड़ी यहाँ लगा के डाकबंगला की तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो पूरा रोड है डाकबंगला की तरफ आगे निकलती है, हार्ट में, और एक तरीके से कह सकते हैं आप इसे कि ये दुर्गा पूजा में डाकबंगला से अच्छा और खूबसूरत पंडाल शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं डाक बंगला की तरफ, और अब मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं। वहाँ सामने डाक बंगला के बगल में ही एक और जगह है जो कि पटना का बहुत नामी जगह है, जिसको कहते हैं मौर्य लोक। मौर्य लोक आपको खाने पीने और इंजॉय करने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। वहाँ आप जाइए और ज़रूर कुछ डिलीशियस ट्राई कीजिए अपने अंदाज में, जो आपको पसंद हो। अभी मैं एसपी वर्मा रोड से आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर जो चहलकर्मी और रात के कारण बहुत थकने के बावजूद आप लोगों के लिए मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। और ये एसपी वर्मा रोड से आगे जस्ट मौर्य लोक के पहले एक और पंडाल है, जिसका मैं अभी आपको दर्शन करवाता हूँ। चलिए मेरे साथ। और ये आप जो प्रतिमा अभी आप देख रहे हैं, ये जस्ट मौर्य लोक के थोड़ा सा पहले का है, और ये बहुत भव्य और बहुत बड़ा है। इसके आगे जो आपको प्रतिमा मिलेगा वो डायरेक्ट डाक बंगला का मिलेगा। अब इसके आगे मैं अब डाक बंगला की तरफ बढ़ रहा हूँ। बीच में अब कुछ है नहीं एक्चुअली, ये मंडी है पटना का, सारा मार्केट यहीं पर है। उसके बावजूद ये रात के 2:30 बज रहे हैं अभी, उस समय तक ये अभी सब कुछ खुला हुआ है। यहाँ चहलकर्मी बहुत है, भीड़ बहुत है, गर्मी बहुत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन आप दूसरा पार्ट इसका देखना ना भूलिए, जिसमें आपको सारा डिटेल्स मिलेगा।